जा रहे हैं सैंड हार्बर बीच, और मेन ट्रेल से हमें किसी कच्ची सी ट्रेल पे निकल गए कि फटाफट लेक टाहो के पास पहुंच जाए। पता नहीं बीच का रास्ता वो है। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 13th और इस समय हम हैं कार्सन सिटी नेवाडा में, और आज का हमारा प्लान है हम जाएंगे देखने लेक टाहो। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा प्लान गड़बड़ हो गया था, हम लेट हो गए थे। तो हुआ यूं कि उस पूरे गड़बड़ प्लान के बाद रात को हम अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटा लेट पहुँचे। हम पहुँचे रात को 2 बजे, बट क्योंकि होटल बहुत अच्छा था, हमें नींद अच्छी आई, तो सुबह वी आर ऑल फ्रेश। तो आज हम निकलेंगे पहले लेक टाहो, फिर वहाँ से जाएंगे सॉल्ट लेक सिटी। इट्स टाइम टू रेट द होटल। सबसे पहले था कि हाउ फ्रेंडली द स्टाफ। स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत फ्रेंडली था, पोलाइट था, तो आई वुड रेट 4.5। और सेकेंड था कि हाउ क्लीन आर द रूम्स। रूम्स बहुत क्लीन थे, वेल डस्टेड थे, वैक्यूम थे, टॉयलेटरीज पूरी थी, टॉयलेट्स बहुत क्लीन थे, तो 4.5 फॉर क्लीनिनेस। थर्ड था कि हाउ कम्फर्टेबल आर द बेड्स। तो बेड्स वर सुपर सुपर क्लीन, बेडशीट्स बहुत क्लीन थी, कम्फर्टेबल थे बेड, और इसलिए मैं बेड्स के लिए दूंगी 5 out of 5। और जहाँ तक ब्रेकफास्ट का सवाल है, वेजिटेरियंस के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खाए हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आई वुड रेट 4.5 फॉर द ब्रेकफास्ट। तो ओवरऑल रेटिंग आई वुड गिव अराउंड 4.5 out of 5 टू दिस हैमिल्टन इन, विच इज़ इन कार्सन सिटी नेवाडा। तो नाउ वी आर ऑल सेट टू गो टू लेक टाहो, कम अलॉन्ग। तो हम यहाँ से जा रहे हैं सैंड हार्बर बीच, और हमारे होटल से सैंड हार्बर बीच का जो डिस्टेंस है उसे कवर करने में लगेंगे 35 मिनट्स, और क्योंकि क्लोजेस्ट था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हमने यही वाला स्पॉट चुना है। अदरवाइज़ ये लेक बहुत बड़ी है, तो इसके पूरे सभी स्पॉट्स में जाना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको 1 या 2 दिन चाहिए पूरे स्पॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो है कुछ नहीं, मतलब है तो बीच ही, मतलब अलग अलग आप स्पॉट्स में रुक के अलग अलग व्यू ले सकते हो सेम लेक का। तो हमने जो स्पॉट चुना है वो हमारे होटल से बहुत क्लोज है, तो हम जा रहे हैं सैंड हार्बर बीच। चलिए तो आपसे मिलेंगे सैंड हार्बर बीच पर। सैंड हार्बर बीच के बाहर उन लोगों ने बोला है कि पार्किंग हो गई है फुल, 5 बजे से पहले पार्किंग नहीं खुलेगी, और यहाँ पार्किंग है पेड, आपको $15 पे करना पड़ सकते हैं पार्किंग के लिए। और अब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ से कुछ 5 मिनट का रास्ता है चिमनी बीच का, तो आई शुड गो देयर। और वहाँ से कुछ हाफ माइल की ट्रेल है जिसे लेके मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और चिमनी बीच भी उसने कहा इट्स अ गुड बीच, तो लेट मी सी आई गेट द पार्किंग और मैं वहाँ जाकर जो है कवर कर सकूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ फुल है। तो गाइज ना हमें मिली सैंड हार्बर में पार्किंग, ना हमें मिली चिमनी बीच पे पार्किंग, तो हमने रेंडमली सड़क पे पार्क कर दी है गाड़ी, क्योंकि और भी लोगों ने पार्क की हुई थी। यहाँ से हम जो है वो अब एक ट्रेल लेके नीचे जा रहे हैं लेक टाहो की तरफ, तो मैं आपको ट्रेल दिखाती हूँ कैसी है, होपफुली ट्रेल ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमारी पार्किंग है ना गाइस वहाँ पे ऊपर है, और हम नीचे जा रहे हैं। हमने जो मेन ट्रेल थी ना उसको भी छोड़ दिया है,
और मेन ट्रेल से हमें किसी कच्ची सी ट्रेल पे निकल गया कि फटाफट लेक टाहो के पास पहुंच जाए। पता नहीं ये ट्रेल वहां तक लेके जाएगी कि नहीं जाएगी। वो ट्रेल दिखाती हूँ कैसी, हज़ार लोग यहाँ पे चले नहीं है लगता है। तो सब ने ऐसा लगता है कि शॉर्टकट ही लेने के लिए ये रास्ता जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पे ना पार्किंग बहुत मुश्किल, आपको सुबह सुबह 6 बजे आना पड़ता है। लोग सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए आते हैं और जो अच्छे वाले स्पॉट्स हैं वो पहले ही बुक कर लेते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना यूट्यूबर्स देते हैं ज़्यादा कि कहाँ पार्क करनी, कैसे पार्क करनी, किस टाइम पे आना चाहिए और कितने जो है इसके चार्जेस हैं। तो हमें लगा कि हमें यहाँ आ, तो वीकेंड भी नहीं है, वीकडे है, तो 11 बजे कौन आएगा। बट ये भूल गए कि भाई हॉलीडे, समर हॉलीडेज चल रहे हैं और शायद कोविड की वजह से ना इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि इससे ज़्यादा लोग पार्क नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा लोग बीच पे नहीं आ सकते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें इन्होंने जो है हमें पार्किंग नहीं मिली है, पार्किंग फुल हो गई है। ओह माय गॉड, ये थोड़ी सी टेढ़ी और बहुत ही स्टीप है, दिखा रही हूँ। फिसले तो गए, बड़ा भी केयरफुल। हाँ मेरे पाँव में ना इस समय पूरी मिट्टी घुस चुकी है क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिए हैं। तो एक काम मैंने और गड़बड़ कर दिया, हाईवे पे जहाँ लिखा हुआ था ना कि कोई भी स्टॉपेज पे मैक्सिमम फाइन $350 हो सकता है, वहीं पे खड़े होके हमने गाड़ी स्टॉप की और मैं वहीं से चढ़ी। तो ऐसा ना हो कि हमें कोई वही लोग फाइन ठोक दे। ओह माय गॉड, तो ये जो है मेन ट्रेल है, आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी यहाँ से ना लिजर्ड जा रही है, ये मेन ट्रेल है और ये शॉर्टकट वाली है। तो फिर मैं शॉर्टकट ही लेने जा रही हूँ। पानी बिल्कुल नीला है और हमने जो भी तिकड़म लगाया बहुत सक्सेसफुल था। बहुत छोटी सी ट्रेल लेके, शॉर्टकट लेके हम बीच तक पहुंच गए और बिना पार्किंग के पैसे दिए हुए। चलो 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 चलो, अब यहाँ कैसे जाएंगे नीचे तक। अब नीचे जाने के लिए वहाँ का रास्ता है शायद। यहाँ कुछ है, यहाँ से भी अगर आप स्पाइडरमैन हैं तो जंप कर सकते हैं यहाँ से। हाँ है रास्ता, बट नहीं वहाँ से भी बहुत स्लाइड करना पड़ेगा हमें नीचे। थोड़ा सा हमें रास्ता दिख गया है तो हम लोग यहाँ से जाके ना वहाँ जा सकते हैं। वो है वहाँ रास्ता। तो गाइस फाइनली हम हैं लेक टाहो में जो कि है कार्सन सिटी नेवाडा में और इसे बिग वाटर्स भी कहते हैं। ये है अमेरिका की लार्जेस्ट एल्पाइन फ्रेश वाटर लेक और इसका एरिया बताऊँ, इसका एरिया है 191 स्क्वायर माइल्स। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 21 माइल्स और मैक्सिमम विड्थ है 12 माइल्स। इसके जो शोर का टोटल लेंथ है वो है 71 माइल्स। यहाँ पे लोग जब गर्मियों में आते हैं ना तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोग स्विमिंग करते हैं, लोग कयाकिंग करते हैं, लोग बोटिंग करते हैं। यहाँ बहुत से ट्रेल्स बनी हैं तो लोग हाइकिंग भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बीचेस के अलावा स्की रिजॉर्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से स्कीइंग करने आते हैं और विंटर्स में यहाँ पे स्की के अलावा ये लोग करते हैं स्नोबोर्डिंग। बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो मुझे लग रहा था हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे कि हर जगह जो पार्किंग थी फुल थी। फाइनली वी मेड इट, कोई भी कच्ची सी ट्रेल लेके हमने पार्क किया फटाफट और नीचे आ गए। वी आर वेरी क्लोज टू लेक टाहो और जो पीछे जो सीन है ना इट्स वेरी पिक्चरस और पानी जो है बिल्कुल नीला है और उसके ऊपर बहुत सारे लोग कयाकिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। इट्स रियली फन।
सो आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग. तो गाइज जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ वो कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बट व्यू बहुत सुंदर है. मुझे पूरी लेक, पूरी तो नहीं कैसे थी बट काफ़ी लेक यहाँ से दिख रही है. यहाँ से खड़े होके लोग बोटिंग कर रहे हैं, कुछ कयाकिंग कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मोमेंट. वहाँ पे कुछ लोग अम्ब्रेला लगा के धूप सेक रहे हैं और वहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बोटिंग कर रहे हैं. वो आप मोटर बोट देख सकते हो जाते हुए. और यहाँ पे हो रही है कयाकिंग, लेक चाहो कभी. तो ये राउंड राउंड बोल्डर है, इनको क्रॉस करके आप लेक के पास जा सकते हैं. तो अब हम जाएंगे वो वहाँ वाले बीच पे. तो गाइस हम वो वाले बीच जाने वाले हैं. इससे पहले कि मैं नीचे जाऊं, आपको थोड़ा सा डिटूर लेके उस साइड की लेक भी दिखाती हूँ, तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा. तो लेक कुछ ऐसी है यहाँ से, मैं आगे नहीं जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा. चलो चली जाती हूँ कि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे आते जाते. चलो चलते हैं ऊपर और फटाफट से बीच के पास जाते हैं और दिखाती हूँ कि लोग क्या क्या कर रहे हैं बीच के ऊपर. सारे बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं और ये लोग तो अपनी पिकनिक भी कर रहे हैं. तो यस, लोगों ने इसे अपना पिकनिक स्पॉट भी बनाया है और धूप भी सेक रहे हैं. बहुत सारे सन अम्ब्रेलास लगे हैं, टेंट लगे हैं और बच्चे अपने फ्लूट्स लेकर आए हैं. तो फ्लोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं और कईयों की बोट्स यहाँ खड़ी हैं. कुछ बाकी मैं आपको बीच पर दिखाऊँगी कितना शेर है. गाइस पानी देखो, इट्स क्रिस्टल क्लियर. और आसपास पूरे अल्पाइन्स लगे हैं, पूरे अल्पाइन्स है वहाँ पे. और वो पीछे माउंटेन्स है. से उतर तो गए थे, बहुत स्टीप चढ़ाई है और ऊपर चढ़ते चढ़ते दम निकल गया है. ओह बड़ा हमारी कार है वो सामने. गाइस हम फाइनली पहुंच गए टॉप पे. तो
गाइस अब हम लेक हाउस से निकल चुके हैं। अभी हमने जो प्लान किया था बोरीवल सॉल्ट फ्लैट जाने का, वो हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि एज़ पर GPS हम वहाँ पहुँचेंगे शाम को 7:30 बजे। तो 7:30 बजे हो जाता है वहाँ, काफ़ी अंधेरा, तो कोई पॉइंट नहीं है वहाँ जाने का। तो हम सीधे अब अपने होटल जा रहे हैं जो कि है सॉल्ट लेक सिटी में। तो एज़ पर GPS हमें लगेंगे 8:30 घंटे वहाँ पहुँचने के लिए, 8 घंटे पहुँचने के लिए। तो अभी यहाँ टाइम हुआ है 12:30 और हम पहुँचेंगे 9:30 बजे। अगर अब आप पूछेंगे कि अगर अभी 12:30 हुए हैं और उसमें अगर हम 8 घंटे ऐड कर दें तो हमें तो 8:30 बजे पहुँचना चाहिए, तो हम 9:30 क्यों बज रहे हैं? तो आपको याद दिला दूँ कि जब जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम जो है शॉर्टन होता जाता है। तो जब हम न्यू जर्सी में थे, तो जब हम सैन फ्रांसिस्को में थे, तो न्यू जर्सी और सैन फ्रांसिस्को का जो टाइम डिफरेंस है वो था 3 घंटे का। अब जो है हम टूवर्ड्स न्यू जर्सी जा रहे हैं, तो आज हमारा टाइम जो है 1 घंटे से कम हो जाएगा, इसीलिए हम जो है 9:30 बजे पहुँचेंगे इंस्टेड ऑफ 8:30 बजे। तो ऑन द वे अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं तो हम गाड़ी रोकेंगे और आपको दिखाएंगे। तो कीप एंजॉयिंग आवर जर्नी। हम सोच रहे थे कि अब जो बोरीवल सॉल्ट फ्लैट है इसका प्लान कैसे बनाया जाए, क्योंकि कल हमें फिर 10 घंटे ड्राइव करना है। तो हमने फाइनली ये सोचा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स बने हैं और इतनी दूर आए हैं और देखना तो बनता ही है, तो फिर क्यों ना कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि हम इसे देख पाएँ। तो उसका एक ही तरीका है कि सुबह हम लोग 5:30 उठेंगे और 6:00 अपनी ब्रेकफास्ट लेके होटल से हम लोग चले जाएंगे बोरीवल सॉल्ट फ्लैट। हमारे होटल से बोरीवल सॉल्ट फ्लैट का जो डिस्टेंस है उसे 2 घंटे में कवर किया जा सकता है। तो 8:00 वहाँ पहुँचेंगे, 8 to 9 वहाँ घूमेंगे, 9:00 वापस आएंगे और 11:00 होटल में पहुँच के 11:30 के आसपास चेकआउट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा चेकआउट जो है 12:00 का है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लान, होपफुली ये वर्क करेगा और हम बोरीवल सॉल्ट फ्लैट कवर कर पाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया रनवे ट्रक रैम्प। अगर हाईवे पे किसी ट्रक की जो ब्रेक फेल हो जाती है तो वो ये रनवे जो रैम्प है वो लेके उस रोड में जा सकता है।